कोरबा सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने बालको में सघन जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने सवाल किया कि कोयला खदान, बिजली घर और बालको प्लांट में काम करने वाले मजदूरों को हर दिन 1200 रुपये के वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए। देश में कांग्रेस की सरकार आने पर हर महिला को 1,00,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। कोरबा सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने बालको नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा के साथ वार्ड 35, 36, 37, 39, 40 और 41 के साथ साथ लालघाट, आंवला गार्डन, नेहरू नगर, दुर्गा पंडाल, मैन चौक, परसाभाटा और बाजार क्षेत्र में जनसंपर्क किया। लोगों से बातचीत करने के साथ समस्याओं को जाना गया। सांसद ने यहां पर महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर बात रखी। उन्होंने उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के शोषण का जिक्र किया और कहा कि क्यों नहीं इन लोगों को 400 रुपए के बजाय प्रतिदिन काम के बदले 1,200 रुपए दिए जाने चाहिए। एक दिन में कोयला खदान में जो काम करता है उसको बेचारे को 1200 रुपए मिलना चाहिए, तो 400 देते हैं और 800 रुपया हजम नहीं लड़ सकते क्योंकि हमें ठेकेदार निकाल देगा, तो उसकी गारंटी राहुल जी लेंगे, सरकार लेगी, किसी भी आदमी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। सांसद ने शिकायती लहजे में कहा कि जो लोग रोजगार मांगते हैं उन्हें लाठियां खानी पड़ रही हैं। यह है आज का दौर। तो हमारे मजदूर लोग यदि अपना हक मांगते हैं तो लाठियां पड़ती हैं। ये इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं हमारे शहर कोरबा में, जहां की पूरा भारत यहां बसता है, और ऐसे लोगों को यहां पर इस तरीके से न्याय ना मिलना ये बड़े दुख की बात है। सांसद ने महिलाओं को बताया कि देश में उनकी सरकार आती है तो हर घर से एक महिला को वर्ष में 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन को 20,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग महिलाओं को कुछ संरक्षण देना चाहते हैं, तो एक परिवार में एक महिला को, हमको ये नहीं चाहिए कि पढ़ी लिखी हो, कोई हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन किसी एक महिला को 8,333 रुपए उनके खाता में जाएगा, मतलब साल का हुआ 1,00,000 और 5 साल तक देंगे तो 5,00,000। आपको जो करना हो करो। दूसरा ये कि आंगनबाड़ी बहनें होंगी, कोई तो मितानिन होगी, मिठाई बनाती है, रसोईये मन और मितानिन, इन सब की तनख्वाह को दुगना। सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी के बालको नगर क्षेत्र के जनसंपर्क के दौरान अनेक कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज कोरबा।